नमस्कार, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी ईस्ट दिल्ली के प्रेसिडेंट सावर अली साहब। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ कर रही है दिल्ली में। सावर अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी क्या कुछ करने जा रही है। समाजवादी पार्टी का मकसद है दिल्ली की हर सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे इस बार हम। जी जी। और अपनी पार्टी को इतना ऊपर के लेवल पर लेके जाएंगे कि जो छोटी मोटी पार्टियां स्टैंड होने की कोशिश करें, जैसे खासतौर पर आम आदमी पार्टी जी। जिसका इतना वजूद नहीं था, लेकिन लोगों को टोपी पहना पहना करके इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया जी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब की बार इनके बहकावे में नहीं आएगी जी। हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी से मेहनत हमारी शुरू हो गई है जी। कि हम समाजवादी पार्टी को उस लेवल पर लेके जाएंगे कि हर सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। खासकर दिल्ली में 9 जिले हैं, कई मंडल हैं, तो आप इसके लिए क्या कुछ कार्य योजना बनाई है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये सब तो संगठन के ऊपर डिपेंड करता है जी। हमारी कोशिश जारी है, हम संगठन इतना मजबूत लेके चलेंगे इस बार अपना कि हर पार्टी को हम पीछे छोड़ने वाले हैं जी। और हमारी हर पार्टी से पूरी टक्कर होगी जी। ये खासकर जब दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस और बीच में आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन कांग्रेस बीजेपी अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया हुआ है, भले ही कांग्रेस के पास अभी कोई सीट नहीं है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे अपना और भी पैड बनाएगी, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अहम रोल निभाता है और स्टूडेंट यूनियन में भी कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, किसी काम को शुरू करने से और एक अपर लेवल तक जाने में जी थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन इतना वक्त हमारे पास है कि हम इन लोगों का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। और हमारा संगठन भी इतना कमज़ोर नहीं है जी। भले ही लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों को काफ़ी जानकारी है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और हमारी जो मेहनत चल रही है अभी, वो आप देखेंगे कि एक दो महीने में काफ़ी रंग लेकर आएगी और हम इन लोगों से काफ़ी आगे होंगे। हम खासकर स्टूडेंट यूनियन के बारे में जानना चाह रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अहम रोल होता है, वो लोग का भी खासकर उससे परसेप्शन बनता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, उनका सहयोग हमें है जी। हाँ, वो लोग हमारे साथ हैं, नाम हम इसलिए ओपन नहीं करना चाहते कि बाकी पार्टियाँ फिर उनके आगे पीछे लगना शुरू कर देती हैं जी। वो हमारा सब काम चल रहा है और एक दो महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा। अभी हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी को एक उपचुनाव में सफलता मिली और ऐसा लगा कि अति आत्मविश्वास आ गया और फिर से वो खासकर एलजी हाउस में जाके धरने में बैठी, जैसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे, कैसे मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, जो उनको कामयाबी मिली है उसका एक रीज़न है जी। इनकी कामयाबी मिलने का वहाँ पर रीज़न ये है कि वहाँ पर ज़्यादा बहुत छोटे लेवल के लोग बेचारे, जो मजदूर टाइप के हैं, उस टाइप के लोग वहाँ पर हैं, उनको इन लोगों ने जैसे कई जगहों से झुग्गियाँ तोड़ दी तो उनको कहीं पर झुग्गियाँ दे दी, उनके दिमाग में वही बात है कि हमारे लिए यही पार्टी बेस्ट है, जबकि वो गलतफहमी में, सीधी साधी जनता है, बहकावे में आ जाती है। जबकि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा खतरनाक कोई पार्टी नहीं है किसी भी आम आदमी के लिए। तो ये आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में देखना, इस बार इन बहुत पीछे होने वाले हैं। खासकर महिलाओं का एक सुरक्षा का मामला दिल्ली में रहा है, तो समाजवादी पार्टी क्या कुछ कार्य योजना इस पर करेगी? देखिए, महिलाओं के लिए जब आम आदमी पार्टी पावर में नहीं थी तो इन्होंने कहा था कि हम हर बस में कमांडो देंगे जी, सुरक्षा देंगे जी। आप एक भी बस में बता दीजिए, एक हवलदार, या हवलदार छोड़िए, होमगार्ड तो मिलता नहीं जी, जी। तो सुरक्षा की बात तो यह है कि नारी सुरक्षा खुद ही करती हैं और हमारे जैसे समाज सेवक करते हैं, सरकार कोई कुछ नहीं करती है। हाँ, यदि हम लोग कहीं पर आते हैं और हमारी सरकार आती है तो ये गारंटेड है, हम पूरी सुरक्षा देंगे। खासकर आपने समाज सेवा की बात करी, हम जानना चाहेंगे कि आप कोई एनजीओ या समाज सेवा के लिए क्या कुछ करते हैं आप? देखिए, हमारी एक राइट स्टेप एनजीओ के नाम से एनजीओ है जी, जिसमें हम एजुकेशन और क्राइम पे पूरा फोकस रखते हैं जी। और हमने अभी तक गवर्नमेंट से भी कोई ऐड नहीं लिया है जी। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, हमारे दोस्त हैं काफ़ी सारे जी जी। और एक दूसरे के साथ मिलके हम प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी को पैसा नहीं लिया और लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं एजुकेशन में। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पा रहे किसी भी कारण से, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। नहीं तो कैसे आप उनके लिए कोई नंबर देते हैं कि कैसे क्या करते हैं, कि कैसे वो आपसे संपर्क करेंगे? नहीं, हमारा ये नेट पर भी है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ऊपर ही है राइट स्टेप एनजीओ, इसके आगे मेरे जो कैलेंडर्स हैं जिनके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मेरे ख्याल दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में लगे हुए हैं ताकि हर आदमी वहाँ देख सके उनको। हमारे पर कॉल्स भी आते हैं, नेट के ऊपर भी डला हुआ है, काफ़ी फेमस है एनजीओ हमारा। हम फिर से आते हैं आपके राजनीति पर ही, हम जानना चाहेंगे दिल्ली में, खासकर इस दिल्ली में गंदगी और पार्किंग की बड़ी समस्या है, क्या कुछ समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी इसके लिए, कैसे करेगी? देखिए सर, हम लोग जो हमारा संगठन तैयार हुआ है, हम लोगों ने पूरी तरह कमर कस ली है जी। क्योंकि ना तो ये आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है, जबकि इसी मुद्दे को लेकर के आए थे, ना ही बीजेपी करने वाली है, और कांग्रेस के बेचारे की हालत खराब है, तो अब सिर्फ हमारी पार्टी ही बचती है, अब हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये बहुत जल्दी आप एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि हम हर एरिया वाइज
जा जा करके देखेंगे, समीक्षा करेंगे और जिस जगह जरूरत होगी, चाहे हमें खुद को सफाई करनी पड़े, लेकिन हम ये अभियान चालू करेंगे। तो क्या आप नगर निगम में भी, खासकर अभी तो चुनाव हो गया लेकिन दूरी है चुनाव में, लेकिन उसके लिए भी कोई कार्य योजना है कि कैसे आप उसमें सफलता ये लोगों को टिकट देंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे? नहीं, वो तो हमने पहले भी टीवी चैनल के माध्यम से बोला है कि हमारी पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी जी, निगम पार्षद का चुनाव हर सीट पर लड़ेंगे हम लोग जी। और खासकर निगम का अहम रोल होता है यहाँ, और वैसे में जब आप फिर से बीजेपी यहाँ चुन के आ गई है, पहले भी थी 15 साल से थी, फिर आई है, तो ऐसे में क्या बीजेपी सफल होगी काम में, या आपस में फिर आम आदमी पार्टी से लड़ाई में भी बीतेगा? नहीं, ये इस बार तीनों ही सफल नहीं होंगे जी, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की लड़ाई नज़र आ रही है, जनता की परेशानी नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जनता परेशान रहती है। भाई मकसद ये है, अगर कूड़ा कहीं से उठना है तो कूड़ा उठना चाहिए जी। जनता को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, MCD ने उठाया, 50% लोग तो ये नहीं जानते इसको उठाएगा कौन। उनको मतलब है उनके घर के आगे से कूड़ा हटना चाहिए। अब अगर कोई भी पार्टी नहीं हटाती है तो वो काम हम अपने ऊपर लेते हैं, हम हटाएंगे उसको, सबकी गंदगी हम दूर करेंगे। खासकर आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर काफ़ी हल्ला हो हल्ला मचाती है और मचा रही है, आप क्या कहेंगे, कैसा है क्लिनिक, क्या कुछ दिल्ली की जनता को राहत देती है? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक इनके 2-4 जगह तो सक्सेस हुए हैं, बाकी तो आप एक बार सर्वे करा लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा लोगों को उतना लाभ उसका नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। और जो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जिस जगह हॉस्पिटल की दूरी है, वहाँ लोगों को जरूर लगता है अभी ठीक है, किसी डॉक्टर से दवाई ना लेकर के यहाँ से ले ली, चाहे वो फॉर्मेलिटी के लिए ही दवाई देते हैं, मरीज़ ठीक नहीं होता, लेकिन उन बेचारों को लगता है कि कुछ थोड़ा मरहम लगा है, बाकी इतना बहुत ज़्यादा सक्सेस वो नहीं है। तो क्या क्या कुछ लगता है कि क्या इसका विकल्प होना चाहिए, या मोहल्ला के लिए में और सुधार होने की जरूरत है? नहीं, सुधार की जरूरत है, लेकिन अब सरकार सुधार को छोड़ करके अपने बेनिफिट में लग गई है। हाँ। उनके MLA देखे अपने पर्सनल कामों में लगे पड़े हैं, MLA मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में कोई भी जाते होंगे, खासतौर पर अगर मैं डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की बात करूँ तो वो जिस एरिया से विधायक हैं उस एरिया में उनकी शक्ल देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक क्या चलाएंगे या गवर्नमेंट क्या चलाएंगे, जनता के बीच में नहीं आते। अब जब इलेक्शन आएंगे तो जनता सवाल पूछने वाली है कि भी आप अब तक कहाँ थे। बिल्कुल, खासकर समाजवादी पार्टी में भी थोड़ा सा तकरार था, और ऐसे में आप किस राष्ट्रीय नेताओं को आशीर्वाद लेंगे या उनको अपने यहाँ लगाएंगे? नहीं, पार्टी में कोई तकरार नहीं थी, परिवार में झगड़ा चलता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों ने उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया था जी। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, हमारी पार्टी एक है और एक ही रहेगी, हमारे नेता फिलहाल अखिलेश यादव हैं और वही रहे। साबर अली साहब, खासकर धर्म आस्थाओं का देश है भारत, और ऐसे में जिस प्रकार से राम रहीम का केस सामने आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? सर, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, राम रहीम जी आपको बाबा किधर से नजर आते हैं? क्या ऐसी कोई भी स्थिति है जिसको देख करके आप कहें राम रहीम बाबा हैं? बिल्कुल, फिल्म हीरो वो बनते हैं जी, एक्शन वो दिखाते हैं, तरह तरह की जो गाड़ियाँ किसी के पास नहीं मिलेंगी स्टैंड करने के लिए जी, वो गाड़ियाँ उनके पास मिलेंगी, जो कन्याएं किसी के पास नहीं होंगी वो कन्याएं उनके पास मिलेंगी, चाहे वो कुछ भी समझ के उनको बुलाते हों। मैं बहुत पहले से ये बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि बाबा राम रहीम साहब कहीं से भी बाबा नज़र नहीं आते। अब ये देखिए कि उनकी जो पोल खुल रही है डे बाई डे, 700 कुछ तो उनके ऊपर मर्डर निकल के आ रहे हैं, 500 कुछ लोगों को उन्होंने नपुंसक बनाया है ताकि जो कुछ करें वही करें, कोई उस तरफ ना देखे। इसके आगे के जो उनके पाप की लीला है वो इतनी लंबी है कि अगर अब से और हर डे उनको सजा मिले तो उनका जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके पाप कम नहीं होंगे। ऐसे लोगों को बाबा कहने का अधिकार हमारे हिंदुस्तान में किसी को नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब एक हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हम सबका ही है, लेकिन कुछ लोगों की भावना इतनी गलत है कि बाबा को जोड़ करके और उसमें गलत फहमी ऐसे फैला देते हैं। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, यदि ये इतना बड़ा कांड किसी मोमडन पे खुला होता तो 101% उसको अभी तक गद्दार साबित करके गोली मार दी गई होती, क्योंकि उनके पास से AK-47 बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है, बम्स बरामद हुए हैं, और मर्डर के लिए तो अभी धीरे धीरे अब जैसे जैसे पोल खुलती जाएगी आप देखेंगे, और रेपिस्ट वो इतने बड़े हैं कि लड़कियां शर्म से सामने नहीं आ रही थीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी सामने आएंगी। मुझे तो किसी ने कैलकुलेशन बताई है, हालांकि ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, कि 500 से ऊपर तो उनके ऊपर रेप के मामले आएंगे सामने। अब आप बताइए उनको बाहर रहने का अधिकार है या अंदर रहने का, या उनको कहाँ पर जाना चाहिए? तो क्या आपको लगता है ये राजनीति तंत्र का फेल है? नहीं, राजनीति की तो पूरी उनको सहायता मिल रही थी जी, बीजेपी ने उनसे आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद उनको खुली छूट दे दी गई कि भी आप जो मर्जी करो। ये कांग्रेस भी गई थी? नहीं, कांग्रेस गई थी, लेकिन आप ये देखिए जो पावर में जो पार्टी सत्ता में है जी, उनके मुख्यमंत्री वहाँ उनको अगर कोऑपरेट करेंगे तो उनको कानून का डर क्या रहेगा जी।
अब आप ये देखिए कि इतने सारे बेगुनाह लोगों की गाड़ियाँ चलाई गई, उनके घर चलाए गए, इतने सारे लोग मारे गए, किसकी वजह से? सब गवर्नमेंट का खेल है, वरना एक आदमी की पावर इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि पूरे तंत्र को फेल कर देगा। वो मिलिट्री खड़े हुए देखते रही, पुलिस खड़े देखते रही। हमारे यहाँ की पुलिस और मिलिट्री बहुत अच्छी है और बहुत लड़ना जानती है। वो चाहते तो 5 मिनट में सबको शांत कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नहीं करने दिया, क्योंकि अपना नंबर बढ़ाना था। जैसे आपने देखा नायक फिल्म में अमरीश पुरी जी अपने फायदे के लिए लोगों को मरवाते हैं, वही अब हुआ है। और इसके बाद भी आप देखिए कि इतना कत्लेआम होने के बाद CM साहब अपनी सीट पर हैं, जबकि उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए था या उनको गवर्नमेंट को हटाना चाहिए था, लेकिन अपनी सीट पर हैं, विराजमान है पूरी तरह से। तो जिस जगह ऐसे बाबाओं को साथ देने के लिए गवर्नमेंट खड़ी होगी, वहाँ बाबा क्यों डरेंगे? वो तो बाबा नहीं, असली मंत्री ही वो हैं उनके। खासकर रामपाल, आसाराम बापू और अब राम रहीम और ऐसे पता नहीं कितने अभी भी हैं, नंबर हैं, लगे हुए हैं बाबाओं का। तो ऐसे में आम जनता तो केवल आस्थाओं के करीब उनके पास चले जाते हैं, लेकिन आम जनता कैसे इनसे बचे? क्या कुछ समाजवादी पार्टी इस पर भी कुछ अपनी ओर से कुछ तंत्र करेगी? देखिए सर, हमारा जो देश है इसमें हर तरह के लोग हैं, हर मजहब को मानने वाले लोग हैं, और बेचारे बहुत अच्छे और बहुत सीधे लोग हैं। हमारे यहाँ की जनता गलत नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के ढोंगे बाबा हैं, ये बाहर से PhD करके आते हैं, जो घूमने जाते हैं ना, ये घूमने वामने नहीं जाते, ये वहाँ से PhD करके आते हैं कि लोगों को कैसे बहकाना है। अब जितने बड़े बाबा हैं, आप सबके ऊपर देख लिए, कुछ ना कुछ केस खुलते रहते हैं, और हमारे और आपके जैसे लोग बदनाम होते हैं। हमने अगर किसी लड़के को ऐसे देख भी लिया तो एलिगेशन लगा कि सिपाही पकड़ के ले जाएगा, चल भी क्यों देखा। और बाबा जी खुलेआम गंगा जी मना रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये तो हमें देखो देखना पड़ेगा। और हमारी पार्टी अगर पावर में आ गई तो ऐसे बाबाओं को तो हम सबसे पहले ठीक करेंगे, जो ढोंगी बाबा हैं। सभी गलत नहीं है, लेकिन ढोंगी बाबाओं को खैर नहीं। खासकर ऐसे बाबा FMCG में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उसे बेचने में, और फिर एक व्यापार खड़ा कर लेते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये जवाब तो मैंने आपको पहले दे दिया जी। उनको बाबा कहना ही गलत है जी। वो रेपिस्ट भी हैं, मर्डरर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सारे जितने उल्टे सीधे काम है सब बाबा ने उनके ठिकाने, उनके ठेके ले लिए हैं, और सारे ठिकाने इनके पास हैं। आप ये बताइए, एक इंसान को खाने के लिए अच्छी रोटी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, इससे आगे दौलत की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बाबा को उठा लीजिए जिसके पास भी दौलत होगी, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, जो सपनों में सोच भी नहीं सकते, उतनी दौलत में भी उनका गुजारा नहीं। अब बाबा राम रहीम की आप इनकम ले लीजिए, 16 लाख रुपये पर डे की इनकम सब कुछ काट के है, क्या वो नोट खाएंगे या ऊपर भगवान जी को ले जाकर देंगे? क्या करेंगे उस पैसे का? जनता का पैसा लूट करके वो अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, उससे अच्छा जनता में बांट दें। जो भक्त उनके आगे पीछे उनके लिए जान दे रहे हैं, उस पैसे को उनमें बांट दें। लेकिन नहीं, उनकी नीयत कभी भरेगी नहीं। और ये बड़े ढोंगी बाबा हैं सर, इनको बाबा कहना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो क्या आप इनकी संपत्ति को सरकार जब्त करे? सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, और जेल से बाहर नहीं आने चाहिए ये। और उस संपत्ति का जो भी पैसा बनता है, हालांकि BJP गवर्नमेंट ने पहले, आपने सुना होगा कि भी हर खाते में 15 लाख आ जाएंगे, हर खाते में 20 लाख आ जाएंगे। वो जो हमारे बेचारे भारतीय नारी सीधी साधी थी, जो उनके पास 1,00,000, 2,00,000 रुपए थे, वो और निकलवा लिए उन्होंने, और किसी के खाते में 2 पैसे भी नहीं आए। लेकिन चलो, उस पैसे में से नहीं दिए, कम से कम बाबा राम रहीम के पैसे को वापस कर दो। जनता का पैसा जनता के पास पहुँच जाएगा, बाबा रहीम के डैडी के तो है नहीं वो, जनता का पैसा जनता के पास पहुँच जाएगा तो जनता भी कुछ खुश हो जाएगी, हो सकता गवर्नमेंट को कुछ नंबर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सावेर रेड्डी जी। ये थे सावेर रेड्डी, जो बता रहे थे कि युवाओं को जोड़कर समाजवादी पार्टी को फिर से दिल्ली में एक बार स्थापित किया जाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।